Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you alternate number in maths. बच्चों आज maths में मैं आपको पढ़ाऊंगी alternate number. Alternate number का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ numbers आपको दिए रहेंगे और एक एक number छोड़कर next number आपको लिखना है. मतलब alternate number का मतलब ही होता है कि एक number को छोड़कर next वाला number को लिखना. जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 आपको नहीं लिखना है, 2 के बाद जो 3 आता है उसको आपको राइट करना है. तो अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक नंबर को छोड़कर नेक्स्ट वाले नंबर को राइट करना. तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में मैंने लिखा है 54 के बाद तो आता है 55, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है क्या 56, एक नंबर को छोड़कर लिखा है 56. अब 56 के बाद आता है 57, उसको आपको छोड़ देना है. और 57 के बाद आता है 58, यहाँ पे क्या राइट करेंगे 58. अब 58 के बाद आता है 59, उसको छोड़ देना है. 59 के बाद 60 आता है, उसको राइट करेंगे. मतलब एक नंबर को छोड़कर लिखना है आपको. सिंपली इसका मतलब यही है बेटा, अल्टरनेट नंबर का मतलब एक नंबर को छोड़कर नेक्स्ट नंबर लिखना है. अब 60 के बाद सीधे इसके बाद क्या आता है 61, उसको छोड़ देना है. 61 के बाद 62 आता है, तो 62 यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट नंबर, एक नंबर को छोड़कर लिखना. नेक्स्ट नंबर है 78, 78 के बाद आता है 79, तो उसको हम लोग ने छोड़ दिया. क्या राइट किया है 80 राइट किया. 80 के बाद आता है 81, उसको छोड़ देना है. क्या लिखना है 82, एक नंबर छोड़कर लिखना है. 82 के बाद 83 यहाँ छोड़ना है. 83 के बाद 84 आता है, तो यहाँ पे 84 हम लोग राइट कर देंगे. अब 84 के बाद 85 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 86, एक नंबर छोड़ के हम लोग लिख रहे हैं ना. तो इसी तरह से आपको कोई भी नंबर्स दिया रहेगा अल्टरनेट नंबर करने के लिए, तो आपको बस अल्टरनेट नंबर का मतलब याद कर लेना है अपने मन में कि एक नंबर को छोड़कर हमें लिखना है. अब देखिए यहाँ 97 के बाद 98 छोड़ दिया गया है, क्या लिखा गया है 99. 99 के बाद आता है 100, 100 छोड़ देना है. क्या लिखना है 101. अब 101 के बाद 102 छोड़ देना है, क्या लिखना है 103. 103 के बाद 104 छोड़ देना है, क्या लिखना है 105. तो इस तरह से एक एक करके आपको छोड़कर राइट करना है. इसको हम लोग अल्टरनेट नंबर कहते हैं. अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है 126. 126 के बाद 127 आता, उसको छोड़ दिया. क्या लिखा है मैंने 128. अब 128 के बाद 129 छोड़ देना है, क्या लिखना है 130. 130 के बाद 131 छोड़ देना है और क्या लिखना है 132. तो हमेशा एक नंबर को छोड़ना है. अब 132 के बाद 133 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 134. इस तरह से आप एक एक करके छोड़कर लिखते जाएंगे, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, कोई भी नंबर देगा, बस आपको एक छोड़कर लिखना है. अब 162 के बाद 163 छोड़कर 164. 164 के बाद आता है 165 छोड़ देना है. 165 के बाद 166 आता है, उसको राइट कर देंगे. अब 166 के बाद 167 आता है, उसको छोड़ देंगे. 167 के बाद 168 आता है, उसको लिख देंगे. 168 के बाद 169 छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 170. इस तरह से आप बनाएंगे अल्टरनेट नंबर. आप ध्यान से नंबर देखेंगे और उसको एक एक छोड़कर राइट करते जाएंगे. 173 के बाद 174 छोड़ दिया मैंने और क्या लिखा 175. 175 के बाद 176 छोड़ देंगे, क्या राइट करेंगे 177. 177 के बाद 178 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 179. 179 के बाद आता है 180 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 181. एक एक छोड़ के मैंने लिखा है ना. इसके बाद 178 आता है लेकिन मैंने नहीं लिखा उसको, 178 को छोड़ के 179 लिखा. 179 के बाद 180 आता है, उसको मैंने छोड़ दिया. क्या लिखा है 181. अब यहाँ 191 के बाद आता है 192 छोड़ दिया मैंने और क्या लिखा 193. 193 के बाद आता है 194, उसको छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 195. 195 के बाद 196 छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 197. 197 के बाद 198 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 199. इस तरह से एक एक छोड़ के लिखते जाएंगे. नेक्स्ट है 195 के बाद 196 छोड़ दिए, 197.
197 के बाद 198 छोड़ देंगे, 199 के बाद आता है 200 छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 201 के बाद 202 छोड़ के क्या लिखेंगे 203। अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग अच्छे से 300 तक आता होगा तो आप अल्टरनेट नंबर बहुत इजीली बना सकते हैं, एक एक छोड़कर लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रेन, थैंक यू।